नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाजमा आब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। और अब हम आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की कुछ खास और अहम खबरों की ओर। खबर जालौन से है, जहां गांव में सड़क किनारे बने चबूतरे को प्रधान द्वारा रोड बनाए जाने को लेकर अवैध चबूतरा हटाने की बात पर कहासुनी हो गई, जिसको लेकर प्रधान एवं ग्रामीणों ने दबंग व्यक्ति की शिकायत की। बता दें कि जालौन के ग्राम पंचायत कुठौंदा बुजुर्ग के प्रधान सहित कई ग्रामीण जिला कलेक्टोरेट आए और जहां पर उन्होंने गांव के एक दबंग द्वारा गांव की सड़क पर जबरन कब्जा कर चबूतरे का निर्माण कराया था, जिसकी शिकायत प्रधान से की गई। वहीं जब गांव की सड़क बन रही थी तो गांव का दबंग उस चबूतरे को नहीं हटा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण अच्छे खासे नाराज हैं और इसकी शिकायत उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट से की है। क्या नाम है? नाम पुष्पेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान कुठौंदा बुजुर्ग। अच्छा, कहाँ से आए और क्या मामला था? जो यहाँ मामला ये है कि कुछ लोग देव सिंह को जगदीश प्रसाद, जयशंकर जगदीश प्रसाद, अवैध कब्जा किए हुए 543 बंजर भूमि पर। तो हम नाली निर्माण करा रहे हैं तो चबूतरा बना हुआ, तो हमने उनसे कहा कि चबूतरा हटा लो, तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और झूठा बलात्कार में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, दरवाजे पर धमकियां दे रहे हैं, आकर पूरे मोहल्ले को गाली गलौज कर रहे हैं। जितने गली में लोग रह रहे हैं, पानी निकल रहा है कुठौंदा बुजुर्ग। अच्छा, तो आपने शिकायत किससे करी? शिकायत हमने DM साहब को दी, जालौन में SDM साहब को भी दी, SP साहब को भी देकर आए, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि रास्ता खुलवा दिया जाए और विवाद भी ना हो उनसे, और नाली निर्माण हो जाए। लेबर पूरी बैठी, रोज परेशान हो रही है, धमकियां दे रहे हैं जान से मारने की, कहीं कुछ